हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक टॉप वन हॉरर स्टोरी ऑडियो बुक का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की तो मतलब शायद कई लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, लेकिन कई लोग नहीं भी कर पाए होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने हॉरर बोला है तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे दीदी आपको तो हॉरर नहीं सुनते हो आप, क्योंकि आपको डर लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और स्पेशली तो रात को तो मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं और ना फिर ना मेरे को डर लगता है तो मैं कितनी ज़्यादा डरती हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने ना इतनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके, मैंने दिल पर पत्थर रख के, मैंने इतनी हिम्मत का काम किया है कि मैंने इस स्टोरी को सुना है, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हो कि दीदी कोशिश तो करो, बहुत अच्छी है। तो मेरा मन किया जानने का और सच में बताऊँ बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी। तो अब मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलती, पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, फिर इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग स्टोरी को सुन सकते हैं। और इसकी नॉवल भी अवेलेबल है, अगर आप लोगों को पढ़नी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो जिस स्टोरी की मैं बात कर रही हूँ ना, उसका नाम है यक्षिणी। अब बोलो आप लोगों को पता था कि नहीं पता था, तो बहुत सारे लोगों ने मे भी गेस भी कर लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं किया उनको तो पता चल ही गया। तो यक्षिणी की मैं बात कर रही हूँ और ये जो स्टोरी है ना ये नंबर वन पर आती है अपना हॉरर स्टोरी में, ठीक है। और बात की जाए इसकी रेटिंग की तो 4.3 जो है वो इसकी रेटिंग है, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है आनंद उषा बोरकर, ठीक है। इसके जो वॉइस आर्टिस्ट हैं वो हैं द वन एंड ओनली नॉज। और बात की जाए इसके एपिसोड्स की तो वो हैं 258 एपिसोड्स। आई डोंट नो ये कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि ये डेली अपलोड्स ही शो कर रही है, बट नॉवल में जो इसके चैप्टर्स हैं वो हैं 769, तो वहाँ पर भी शायद डेली अपलोड हो ही रहे हैं। और नॉवल की रेटिंग जो है वो है 4.1। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है वो क्या है समझ आ जाए। तो यक्षिणी जो कि इतनी खूबसूरत थी कि अपनी खूबसूरती के जाल में किसी को भी फंसा लेती थी, इसी यक्षिणी ने बंगला मुड़ा और रोंगा कामुच्चा गांव में कोहराम मचाया हुआ था। यक्षिणी रात के वक्त किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें अपना शिकार बनाया करती थी। गाँव वालों का मानना था कि ग्रेवयार्ड कोठी उस यक्षिणी का ठिकाना है, इसलिए गांव वालों ने अलग अलग धर्म के गुरुओं के साथ मिलकर उस कोठी को बंद करवा दिया। ग्रेवयार्ड कोठी के बंद होने के साथ ही गांव में मौतें होनी भी बंद हो गई, पर 13 साल बाद उस ग्रेवयार्ड कोठी को युग ने वापस से खोला। जैसे ही वो कोठी खुली, यक्षिणी ने वापस से किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। और इस बार यक्षिणी ने सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों? कहते हैं यक्षिणी दूसरे लोक से आई थी जिसे एक अभिशाप मिला था, जिसके कारण वो ये सब कर रही थी। आखिर क्या था वो अभिशाप, जानने के लिए सुनते रहिए यक्षिणी। बिल्कुल जैसा कि बताया गया है ना, वैसा ही हमें सुनने को भी मिला है स्टोरी में। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट जो है इस स्टोरी ने क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा सस्पेंस थ्रिल और मतलब ये कह लो कि इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिली, मिस्ट्री भर भर के हैं। मतलब आज भी जब मैं इसको सुन रही हूँ ना तो, और जो जिस तरीके के साउंड इफेक्ट्स यूज़ किए गए ना, सच में मैं बता रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं जब इसको मैंने एक बार पहले भी मैंने इसको सुनने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डर सा हो गया था। तो मैंने अब फाइनली डिसाइड किया कि जब दिन का टाइम होता है ना मैं थोड़ा सा तब सुनती हूँ, रात को मैं अपनी कोई फेवरेट स्टोरी सुन के सोती हूँ ताकि मेरे माइंड में वही रहे, ना कि यक्षिणी, ठीक है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है, तो ये तो मेरा रियल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि रियल में क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। बेशक चाहे ये एक ऑडियो बुक है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक ऑडियो बुक की तरह या नॉवल की तरह नहीं ले पा रही हूँ सच में, इतना ज़्यादा शायद मैं डरपोक हूँ। हाँ ठीक है, बट चलो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें, मुझे क्या है तो डर लगा मुझे तो, बट क्योंकि मेरी खुद का कसूर नहीं था इसमें, क्योंकि इन्होंने लिखा इस तरीके से और तो और फिर सुनाया इस तरीके से। भैया मैं तो क्या, कोई भी हुआ ना जिसको डर लगता नहीं होगा उसको भी डर लगने लग जाएगा, इतनी खतरनाक मतलब वाइब्स आ रही थी मुझे। बट चलो फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने सब बताऊँ ना, मैंने आज तक पहले कभी भी इस तरीके की चीज़ों के बारे में ना कुछ सुना नहीं है या मुझे पता नहीं है, सच में नहीं पता। तो बट हाँ, मेरा ऐसा भी नहीं है कि अगर नहीं सुना तो मुझे मतलब किसी चीज़ में बिलीव नहीं है या फिर मैं मानती नहीं हूँ किसी चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मानती भी हूँ और नहीं भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज़ पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, बस मेरा सीधा सा सिंपल सा लॉजिक यही होता है बस। और मुझे इन चीज़ों के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। सेम चीज़ मुझे यहाँ स्टोरी में भी देखने को मिली कि हमारे हीरो जो है युग, उनके फादर जो है वो एक लेखक थे,
ठीक है, उन्होंने यक्षिणी के ऊपर किताब लिखी थी, ठीक है, और इन्हीं का ही मतलब ये कह लो कि वो ग्रेवयार्ड कोठी जिसकी बात की जा रही है वो युग की ही है, यानी उसके डैड वहाँ पर रहा करते थे। तो बट उनके डैड की जो है ऐसा बोला जाता है कि यक्षिणी ने हत्या कर दी थी, लेकिन उनकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। और तो और ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि क्या करती थी यक्षिणी, उसके शरीर का मतलब अपने नाखूनों से उसके शरीर का सारा खून निचोड़ कर उसका दिल जो है वो निकाल लेती थी, ठीक है, किसी भी इंसान का। तो बट इनके फादर के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो मतलब उस टाइम पे जो भी चीज़ें हुई वहाँ पर, बल्कि पूरी जगह आप लोगों को ये कह लो कि ब्लड ही ब्लड मिला, कोई डेड बॉडी नहीं मिली वहाँ पर, ना ही कुछ ऐसा दिखा कि टाइप्स किस ऐसा लगे। तो किस तरीके से क्या हुआ था इस मौत के रहस्य को खोलने के लिए ही युग जो है ना वो वापस आते हैं अपने गाँव में। तो वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो पहले हुआ करती थी। गाँव वालों में आज भी विश्वास है कि यक्षिणी जो है वो है, मतलब है, अभी कैद करके तो रखा हुआ है। अब हमारे हीरो तो भैया आप शहर के बाबू हैं, वो कहाँ से इन सब चीज़ों में विश्वास करेंगे। वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई यक्षिणी नहीं होती है और ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वापस से वही सब चीज़ें हैं ना रिपीट होना। तो वहीं पर उनकी मुलाकात जो है अपने बचपन के दोस्त से होती है, जब वो जंगल पार करके बिस्नोई नदी पर पहुँचने वाले होते हैं, ठीक है, और फिर उसको ही जो पार करके उनका जो है वो बंगला था, ठीक है। तो वो क्या होता है वहाँ पर ना थोड़े भटक जाते हैं वो जंगल में। अब रात का टाइम था, मुझे भी डर लग रहा था सुनते सुनते तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर उनके फ्रेंड से उनकी मुलाकात होती है, वो उनको सेफली जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक, उनकी डेस्टिनेशन तक उनको पहुँचा देते हैं। इनके दोस्त की बात की जाए तो उन्हें बिलीव है इन पैरानॉर्मल चीज़ों में, और वो इन्हीं चीज़ों की रिसर्च भी कर रहे हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए अपने गाँव में आए हैं, छुट्टी के लिए कह सकते हैं आप लोग। तो क्या होता है कि वो दोनों जाके जो है ना वो उस ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाज़ा खोल देते हैं, दरवाज़ा खोलना इन द सेंस ताला तोड़ देते हैं। और तो और हमारे हीरो जो मतलब जो हमारी कहानी में इसमें दिखाए गए हैं, हीरो थोड़ा सा बोल देते हैं हम उनको युग, तो क्या होता है उनको पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आ भी रही है जो उनको बोल रही है ताला तोड़, ताला खोल, मतलब दरवाज़ा खोल। फिर भी वो क्या बोल रहे हैं अपने दोस्त को, तुम मुझसे लड़की की आवाज़ में क्यों बात कर रहा है? अरे भाई तो मैं ना कुछ चीज़ें वो बता रही है, तो तुम थोड़ा सोचो उन सब चीज़ों पर तुम। पर चलो ठीक है, उन्होंने जो भी हुआ वो दरवाज़ा खोल दिया। अब दरवाज़ा खुल गया तो यक्षिणी आज़ाद हो गई। अब बुराई का अगले दिन उन्हें संकेत भी मिल जाता है, बहुत सारे कौए जो हैं वो मरे हुए एक जगह पर मिलते हैं, ये बैड लक का साइन माना जाता है। तो वहाँ पर भी इनके अपने फ्रेंड्स में कुछ ऐसे बात होती हैं जो इनकी मतलब ये कह लो कि आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, एक जो है वो अगेंस्ट में होता है और एक फेवर में होता है टाइप्स वाला सीन। तो बहुत सारे ये भी अपने जो है वो थॉट्स जो है वो शेयर करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ में तुम मानोगे ऐसी चीज़ें, तो मतलब ये सारी चीज़ें। तो मेन फोकस जो है ना वो यक्षिणी पर ही है। तो क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आगे चल के क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें आप लोग को इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कमाल की हॉरर स्टोरी है यार, सच में मैं बता रही हूँ। मैं जब इसको सुनती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से ना ऐसे ध्यान रखती हूँ कि डरूँ ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें ना मैं सुनूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगे। हालांकि अभी तो ये बिल्कुल स्टार्ट का मैंने आप लोगों को बताया कि क्या हुआ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। और इसमें मोस्टली ये चीज़ों को जानने के बारे में अगर आप लोग को इंटरेस्ट है ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ों में, या फिर ये कह लो कि कुछ नई हॉरर स्टोरीज़ में या जानने में दिलचस्पी है ना, तो यार इस तरह की कहानी आप लोग के लिए ना बेस्ट है। मतलब हॉरर में अब मुझे समझ आया कि नंबर वन पे यक्षिणी कैसे है, क्योंकि हॉरर में तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो यक्षिणी ही क्यों अब मुझे समझ आया, क्योंकि मेरा खुद का इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि यक्षिणी जो है उसको बोला जा रहा है कि वो परी से ही आती है, लेकिन इसको एक अभिशाप मिला है। तो बेसिकली यक्षिणी जो है वो अच्छी है या बुरी है, तो अच्छी भी बता रहे हैं बुरी भी बता रहे हैं। तो मुझे जानना है कि हकीकत में चीज़ें जो है ना वो क्या है। धीरे धीरे मैं इसको आगे सुन रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पूरा सुन लिया और मैं आज आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं धीरे 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 आगे चल रही हूँ, कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा ना कुछ कुछ चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ इसके बारे में। लेकिन वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जानना चाहते हो क्या मेरा एक्सपीरियंस की क्या चीज़ें हैं। बट सच में अगर इस स्टोरी को सुनते टाइम मेरे पास कुछ भी होता है ना, मतलब जैसे कोई अचानक से आ जाता है, या फिर ये कह लो कि अचानक से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, या मतलब ये जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो मतलब ये नहीं कह रही मैं कि क्या बोलते हैं कि इन चीज़ों की वजह से हो रहा है, ऐसा मत सोचना, नहीं। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि उस टाइम पे मैं इतना डर जाती हूँ, तो इससे आप लोग समझ रहे हो कि हॉरर का मुझ पर इम्पैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा होता है। और कई बार तो फिर मुझे ऐसा लगता है खुली आँखों से ही मैं यक्षिणी देख रही हूँ मतलब सीरियसली। बट चलो ठीक है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के हिसाब से
बहुत बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को हॉरर में दिलचस्पी है तो डेफिनेटली जाके इस ऑडियो बुक को सुनना या फिर नॉवल को पढ़ना, बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, सस्पेंस, थ्रिल, एक्शन और मिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, और जो साउंड इफेक्ट्स के साथ चीज़ें प्रेजेंट की है ना भाई, उसका तो मैं क्या ही बोलूँ। वही जो चीज़ है जो आपको रियलिटी में फील करा रही है ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छे तरीके से हॉरर इसको मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को नहीं बोल सकती, वरना आप लोग क्यों सुनोगे इसको, है ना। हर चीज़ मैं क्लियर नहीं कर सकती, मेन मुद्दा मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है, और आगे आगे देखते हैं यक्षिणी के कौन कौन से राज खुलकर सामने आते हैं और क्या चीज़ें पता चलती हैं कि यक्षिणी क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या रीज़न है उसके, और अब खुल जाने के बाद क्या फिर से एक बार मौत का तांडव जो है वो शुरू होने वाला है या नहीं। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगर आप लोग को और जानना है इस कहानी के बारे में। तो आई होप ये मेरा छोटा सा रिव्यू इस कहानी को लेकर, मेरा ओपिनियन इस कहानी को लेकर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ही तो मैं मोटिवेट होंगी, तभी तो ना मैं आप लोगों के लिए इस कहानी को आगे सुनूंगी, हिम्मत इतनी सारी इकट्ठा करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत हिम्मत चाहिए होती है हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक स्टोरी में भी उसका रिव्यू शेयर किया था, लेकिन वो मुझे हॉरर नहीं लगी, सच में मुझे वो हॉरर नहीं लगी इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ये तो भैया बहुत ज़्यादा हॉरर है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब कुछ तो है। तो इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपने ओपिनियन जो है ना वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना कि आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, क्या आप लोगों का ओपिनियन है, ताकि मैं भी जानूँ कि आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी के बारे में। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे रिव्यू जस्ट स्टोरी को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी इमेजिनेशन तक रखिएगा, और इससे ज़्यादा तो मैं उसके बारे में और क्या ही बोलूँ, ज़्यादा डरिएगा मत, और डर लगे तो छोड़ देना, इमोशनल लोगों के लिए नहीं है ये बिल्कुल भी। कहीं आप लोग सोचो कि इमोशनल लोग जो है वो जाके सुन सकते हैं, नहीं, अगर आप लोगों को डर लगता है ना मेरी तरह बहुत ज़्यादा डरते हो, बहुत 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 ज़्यादा डरते हो, तो इस कहानी को देखना भी मत, ठीक है ना, सुनना भी मत। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।